तो आकर मैं आदरणीय राजपूत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात बच्चों के सामने रखे। जोरदार तालियों से आदरणीय राजपूत जी का। यह काफी सराहनीय कदम है एम्बिएंट हाई स्कूल का कि राजपूत जी का स्वागत करें, और किस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष से जीवन भरा हुआ था उन्होंने बताया। और जो वैलेंटाइन डे को खत्म करके और जो माता पिता को पूजने का जो सिस्टम है, जो संस्कृति है, वो वास्तव में भारत में बहुत अच्छी है। तो आकर मैं आदरणीय राजपूत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात बच्चों के सामने रखे। जोरदार तालियों से आदरणीय राजपूत जी का। एम्बिएंट स्कूल में पिछले 4-5 वर्षों से मुझे बुलाया जा रहा है और 26 जनवरी 15 अगस्त बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। आज जो वैलेंटाइन डे को ख़त्म करके और जो माता पिता को पूजने का जो सिस्टम है, जो संस्कृति है, वो वास्तव में भारत में बहुत अच्छी है। और ये काफ़ी सराहनीय कदम है एम्बिएंट हाई स्कूल का कि इस जो मातृपित पूजन का दिवस है उसको इस तरह मनाया जा रहा है। वास्तव में एक नई विचारधारा, क्योंकि मैं अपने बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा लिखा नहीं था। जब मैं छोटा था तो अक्सर माता पिता कहते थे कि पढ़ाई में बहुत ताकत होती है और इससे आप दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 5वीं से डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरा। मजे की बात यह है कि 10वीं का जो फॉर्म था वो मेरी माँ, महात्मा गांधी स्कूल है बरखेड़ा में, वो मेरे लिए फॉर्म लेकर आई, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई पूरी तरह छोड़ चुका था। लेकिन मेरी माँ ने वो फॉर्म खरीद कर लेकर आई और 10वीं का फॉर्म उन्होंने भरा और कहा, नहीं तुम पढ़ाई करो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वादों से मैंने 5वीं के बाद डायरेक्ट 10वीं परीक्षा दी और 10वीं के बाद 12वीं की, और फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। जब मैं CA बना तो किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुकेश, तुम्हारा बचपन होटलों में काम करते गुजरा है, बर्तन मांजते गुजरा है, तो तुम स्टूडेंट के लिए कुछ करो। तो मैंने स्टूडेंट की मदद के लिए एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम है CA पास द रियल स्टोरी। इस किताब के माध्यम से मैंने बच्चों को बताया कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होता है और मैं किस तरह पढ़ता था। और फिर उसी के बाद उन्हीं व्यक्ति ने एक दिन कहा कि आप बच्चों के बीच जाइए और अपनी स्टोरी उनको बताइए और उनको बताइए कि पढ़ाई में क्या ताकत होती है और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है इससे दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। और मैं बच्चों के बीच जाता हूं, पूरे भारत में मैं सेमिनार देता हूं और एम्बिएंट स्कूल से पिछले 4-5 वर्षों से मैं जुड़ा हूं। पारे जी लगातार मुझे यहां बुलाते हैं। इससे पहले भी पिछले साल कार्यक्रम किया गया था, मैं किसी कारणवश आ नहीं पाया था, लेकिन आज मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, खासतौर से एम्बिएंट हाई स्कूल जो कि इस तरह इनिशिएटिव वर्क करता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो कि परम आदरणीय गुरुदेव, यहाँ पर उनकी फोटो लगी हुई है, मैं जब छोटा था तो मैंने इनकी किताब पढ़ी थी जिसमें मेमोरी के बारे में बताया था, उसका मैंने आज भी पालन किया। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देता हूँ। जोरदार तालियों से राजपूत जी का स्वागत करें, और किस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष से जीवन भरा हुआ था उन्होंने बताया। और मैं आप लोगों को पुनः याद दिला देना चाहता हूँ
कि जो कार्यक्रम मातृपितृ पूजन दिवस है ये वैलेंटाइन डे का पूरे विरोध में किया जा रहा है। ना केवल सत्र आसाराम बापू जी के माध्यम से, ना केवल शहर में बल्कि प्रदेश और देश में भी किया जा रहा है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे बापू जी को और उनको हरीश भाई को कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम करें और निश्चित रूप में हमारे देश की संस्कृति का नाम रोशन आपके मंच के माध्यम से हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। और जिस प्रकार का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है, हालांकि वैलेंटाइन डे आज के समय में ये लगातार 10 वर्षों जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बहुत फर्क पड़ा है और उसका कहीं ना कहीं योगदान न केवल संस्थाओं के माध्यम से लेकिन कल शहीद दिवस के रूप में भी पूरे भारत में जोरदार तरीके से मनाया गया। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं ऐसे अभिभावकों जो भारतीय संस्कृति को अपना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता जिस प्रकार से हमारे देश में पांव पसार रही है, कभी पेरेंट डे, कभी चॉकलेट डे, कभी मदर डे, तो ये टोटली जो डे है वो हमारे माता पिता का संस्कारहीन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत होती है कि चाहे कोई सा डे मना लो लेकिन सांस्कृतिक डे मातृ पितृ डे उस प्रकार के डे को अपने आप रिफ्यूज कर देगा। तो मैं जोरदार तालियों से यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ